Hey, what's up, my heroes? मैं हूँ आपका दोस्त बंधु रिजवान हीरो विद द न्यू हेयर स्टाइल बेबी। सो आज आपका भाई बहुत जबरदस्त वीडियो लाया है, बहुत नॉलेजफुल वीडियो लाया है और बेसिकली थंबनेल देख के आपको पता लग चुका कि आज की वीडियो किसके ऊपर होने वाली है। अंदर बहुत सारी ऐसी हैबिट्स होती हैं जो हमें नहीं पता रहता और हम वो करते हैं और वही हैबिट्स हमारे ब्रेन को ना बहुत ज़्यादा डैमेज कर देती है। अक्सर आपने नोटिस किया भी होगा कि जब हम कुछ सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम या कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें हमारा माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना चाहिए, पर उस टाइम हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहते हैं, वो प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं कर पाते और कन्फ्यूज़न से रहते हैं। सो चाहे वो न्यू स्किल सीखने की बात हो या फिर पढ़ने लिखने की बात हो, हम अक्सर कन्फ्यूज़ रहते हैं और वो अपनी स्किल्स नहीं सीख पाते बिकॉज कि वो हैबिट्स जो हम करते हैं वो हैबिट्स हमारे दिमाग को हमारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रही है, बहुत ज़्यादा हार्म कर रही है। उसको आपका भाई आज आपको बताएगा वो कौन सी हैबिट्स है जो आप करते हैं जो आपकी ब्रेन को बहुत ज़्यादा हार्म करती है, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आप वो हैबिट्स वो गलतियाँ ना करें। सो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपना प्यारा और कीमती सा एक लाइक इस वीडियो को जरूर दे देना। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। व्हाट्स अप माय हीरोज, वेलकम बैक टू दिस ब्रांड न्यू चैनल जिसका नाम है हीरो लाइफस्टाइल बेबी। तो माय हीरोज, नंबर वन पे जो हैबिट आपके भाई ने रखी है वो है लाउड म्यूजिक का सुनना। हम अक्सर ये गलती करते हैं कि हम ना लाउड स्पीकर यानी अपने हेडफोन या ईयरफोन्स अपने कानों में लगाकर बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम में गाने सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, मूवीज देखते हैं। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एक साइंटिफिक फैक्ट है कि अगर 30 मिनट से ज़्यादा अगर आप लाउड म्यूजिक सुनते हैं या ईयरफोन लगा के गाने या म्यूजिक कुछ भी सुनते हैं तो वो हैबिट आपकी पूरी लाइफ के लिए आपकी सुनने की क्षमता यानी कम कर सकता है। जो वॉल्यूम आपके लिए नॉर्मल है वो हो सकता है किसी दूसरे इंसान के लिए बहुत ज़्यादा हाई लेवल का म्यूज़िक हो सकता है और वो उसको इरिटेशन दे सकता है। अगर आप म्यूज़िक को 100 लेवल या 80 लेवल पे करके सुनते हैं तो प्लीज़ अपने भाई के कहने पे 40 या 50 लेवल के यानी हाफ लेवल कर दो अपनी म्यूजिक का और फिर उसको सुनो तो आपका माइंड भी एकदम अच्छा रहता है। एंड माय हीरोज, आपके भाई ने दूसरे नंबर पर रखा है नॉट इनफ स्लीप, यानी हम अक्सर क्या करते हैं, हम अपनी हेल्दी स्लीप नहीं ले पाते, मतलब 7-8 घंटे की स्लीप, हेल्दी स्लीप हम नहीं ले पाते। मैं आपको बताता हूँ कि 90s में ना जो लोग सोते थे वो 8-9 घंटे की नींद लेते थे, पर आज के ज़माने में यानी आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि 6-7 और कभी कभी तो 5 घंटे की भी नींद लेनी मतलब मुश्किल हो जाती है लोगों को। तो ये क्या करता है कि हमारी जो ब्लड सेल्स होती है वो उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोर करता है और यही कारण होता है कि हम कभी कभी लेजी फील करते हैं, आलस में रहते हैं और हमारा माइंड ना बहुत ज़्यादा लेजी सा होता है और कुछ काम करने का मन नहीं करता। तो यही बहुत बड़ा कारण है कि हमको 7-8 घंटे की एक हेल्दी स्लीप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपका माइंड एकदम फ्रेश रहे और एकदम अच्छा और एक्टिव। तो तीसरे नंबर पे आपके भाई ने जो हैबिट रखी है वो है सनलाइट का ना लेना। जी हाँ, माय हीरोज, हम अपनी बिजी लाइफ में ना 10-15 मिनट के लिए मॉर्निंग में सन बाथिंग भी नहीं कर पाते। जैसे कि आपने देखा होगा कि पेड़ पौधों को भी सनलाइट ज़रूरी है ग्रो करने के लिए, सेम वैसे हमारी बॉडी एंड माइंड को दोनों को सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो सनलाइट होती है ना वो हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन नामक एक केमिकल होता है, एक लिक्विड होता है जो उसको बढ़ाता है और जिसको हम अपने लैंग्वेज में हैप्पी हार्मोन भी कह सकते हैं। और हैप्पी हार्मोन का क्या काम होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। हैप्पी हार्मोन का क्या काम होता है कि जो हमारा मूड होता है, यानी कि मान लो आप हैप्पी हो तो जो आपका वो हैप्पी मूड है ना, उस हैप्पी वाले मूड को स्टेबल रखना बहुत देर तक यानी, और अगर हम बात करें काम की यानी वर्क की, तो आपने देखा होगा कि हम अक्सर रात और दिन में लाइट ऑफ करके अपना कंप्यूटर में काम करते रहते हैं और हमें कुछ भी इसके अलावा नहीं समझ में आता, ठीक है। तो अगर हम बहुत देर तक डार्क स्पेस में अगर हम फोन चलाते हैं और अपना चादर ओढ़ ली उसके नीचे उसके अंदर फोन चला रहे हैं रात को, उस हैबिट से ना हमारे माइंड का सर्केडियन रिदम बिगड़ जाता है और जिसकी वजह से हम अक्सर अनहैप्पी फील करते हैं, डिप्रेशन फील करते हैं और एक अलोननेस का यही कारण बन जाता है कि हमें अकेला रहना पसंद हो जाता है। यही कारण हो सकता है हमारे अलोनलेस रहने का, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे सामने फ़ोन की स्क्रीन हो और सिर्फ
एंड माई हीरोज फोर्थ पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बंदे गलती करते हैं जिसका नाम है सेडेंटरी लाइफ। जी हाँ, अगर मैं आपको बता दूँ, अगर हम पूरे दिन में अपने शरीर को वर्कआउट नहीं देंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बल्कि उसके विपरीत हम पूरे दिन फ़ोन में या टेलीविज़न में या इधर मतलब ऑफिस के काम में या जॉब वर्क में हम चले जाते हैं, तो अक्सर क्या होता है, हमें पता नहीं लगता कि हमारी सुबह कब हुई थी और रात कब हुई है। फिर अगले दिन वही सीन हो जाता है कि दोबारा से काम पे जाना है, ड्यूटी जाना है, इधर उधर, फिर वही बिजी शेड्यूल हो जाता है और हमको पता नहीं लगता कि हमारा डे कब गया और कब स्टार्ट हुआ था। तो इसका मतलब कि ये है, अगर जो बंदा ऐसी लाइफ जी रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो एक सेडेंटरी लाइफ बिता रहा है और एक सेडेंटरी लाइफ जी रहा है। और इन्हीं मेरे हीरोज, इन्हीं मेरे दोस्तों को बहुत ज़्यादा चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं डायबिटीज़ के, कैंसर के, हार्ट डिसीज़ के एंड हाई ब्लड प्रेशर के। मैं आपको बता देता हूँ कि पूरे दिन में कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी एक्टिविटी ना करना हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा कम कर देती है, जिससे होता क्या है, हमारी जो माइंड को ऑक्सीजन चाहिए होती है प्रॉपर वो नहीं मिल पाती और हम लेजी फील करते हैं। बल्कि इसके अपोजिशन में माय हीरोज आप क्या कर सकते हैं, आप एक बहुत ज़्यादा एक्टिव और एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। कैसे, इसके लिए आप छोटा मोटा वर्कआउट, योगा या हो सकती है तो जिम भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये सब भी नहीं करना तो माय हीरोज प्लीज़ मेरे कहने से आप अपने घर का छोटा मोटा काम कर लिया करो, यानी घर की साफ सफाई हो गया या फिर झाड़ू पोछा थोड़ा बहुत कर लिया करो, जिससे कि आपकी जो बॉडी है वो एक्टिव रहे और आपकी एक्सरसाइज भी बराबर होती रहे। एंड माय हीरोज पांचवें नंबर की बात करते हैं, जो है यूजेस ऑफ योर माइंड। जी सेम जैसे कि हमारी बॉडी मसल्स की तरह, अगर आप अपने माइंड को भी एक्सरसाइज नहीं करवाओगे, आप इसको एक्टिव नहीं रखोगे, तो हमारा माइंड भी लेजी होता जाएगा। और अगर आप अपने माइंड का अच्छी तरह आप अपने ब्रेन को यूज़ नहीं करोगे, सो उसकी एबिलिटी और ज़्यादा कम होती जाएगी और उसकी काम करने की क्षमता और ज़्यादा कम हो जाएगी। सिंपल के तौर पे हमारे जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, उसका काम क्या होता है कि अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और प्लानिंग मेकिंग करना, तो ये हमारे ब्रेन का काम होता है। अगर आप अपने ब्रेन को उसका काम अच्छे से नहीं करने दोगे और उसको अच्छे से सोचने नहीं दोगे, ऑब्वियसली और ज़्यादा लेजी हो जाएगा और ज़्यादा उसकी एबिलिटी कम हो जाएगी। और ये बड़े बड़े साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने भी बता दिया है कि अगर आप अपने दिमाग को, आप अपने ब्रेन को काम करना बंद कर दोगे या उसको अच्छे से यूज़ नहीं करोगे, तो वो और ज़्यादा कमज़ोर होने लगता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेलनी पड़ती है, क्योंकि आपका जो माइंड है वो अनहेल्दी हो जाता है, डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से आप नई स्किल सीख नहीं पाते। एंड माई हीरोज वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना और अपनी प्यारा सा लाइक इस वीडियो को ज़रूर देना। तो मिलते हैं जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।